तो क्या बोल रहे थे, हार्मोन के बारे में। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, हार्मोन के बारे में आज स्टडी करेंगे। हार्मोन हमसे पूछा जाएगा कहाँ पर, बॉटनी सेकंड में, ठीक है ना। तो हमारे सिलेबस में ये बॉटनी सेकंड में है। आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में ये अलग अलग जगहों पर होता है, तो उससे हमें मतलब नहीं। हमारे सिलेबस में ये कहाँ है, बॉटनी सेकंड में। क्या चीज़, हार्मोन, ठीक है। हार्मोन से एक क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछा जाएगा लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो, ठीक। हार्मोन होता क्या है, हार्मोन कहाँ पे सुना हुआ है आप लोगों ने, आपने बहुत छोटी सी क्लास से पढ़ा हुआ है एनिमल हार्मोन्स के बारे में, ह्यूमन के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में, प्लांट के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में, ना। जैसे आप लोगों ने सुन रखा है कि हम इंसानों के अंदर बहुत तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। कहाँ पे बनते हैं, ग्लैंड्स के अंदर बनते हैं। कहाँ बनते हैं बेटा, ग्लैंड्स के अंदर। कौन सी ग्लैंड्स में, हाँ उनको बोलते हैं एंडोक्राइन, हाँ एंडोक्राइन, वही है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर होता है। ग्लैंड्स होती है ना हम सबकी बॉडी में होती हैं, प्लांट्स में भी होती हैं ग्लैंड्स होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल ना, दो में उसमें उसको डिवाइड कर लेते हैं। बाहर पाई जाती हैं तो एक्सटर्नल ग्लैंड्स हो गई, अंदर पाई जाती हैं तो वो इंटरनल ग्लैंड्स हो गई, है ना, ठीक है। इसी तरह से एनिमल्स में भी क्या होती हैं, हम ह्यूमंस में अगर बात करें तो बहुत तरह की ग्लैंड्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, उनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। और उन्हीं ग्लैंड्स के थ्रू हार्मोन का क्या होता है, निर्माण होता है, सिक्रीशन होता है, ठीक है ना। तो ग्लैंड्स क्या करती हैं, हार्मोन को बनाकर बाहर निकालती हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स क्यों ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़रूरी ये है जानना कि हार्मोन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन हो, सबकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, बॉडी के एक ओवरऑल ग्रोथ के लिए, बॉडी के हर पार्ट की एक सही वृद्धि करने के लिए हार्मोन का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। बॉडी के में और सेल में तमाम ऐसे फंक्शंस होते हैं, तमाम ऐसी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, हमारी सेल में ऐसी बहुत सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं जिनको करवाने के लिए हार्मोन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। बॉडी को एक बैलेंस रूप में बनाए रखने के लिए, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस अवस्था में रखने के लिए, ठीक है ना, हमारे हीमोस्टेसिस सिस्टम को बिल्कुल सही रखने के लिए, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समस्थैतिकता। समस्थैतिकता क्या होती है कि बॉडी के अंदर का जो एक सिस्टम है, जो एक इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, उस इन्वायरमेंट को उसी तरीके से बनाया रखा जाए जिससे कि बॉडी सही तरीके से काम कर रही हो, ठीक है ना, और उसके सारे फंक्शन जो हैं वो सब सही तरीके से हो रहे हों, ठीक है। तो बॉडी की जो समस्थैतिकता होती है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट की जो एक कॉन्स्टेंट कंडीशन होती है, उसको उसी तरीके से बनाए रखने का काम कौन करते हैं, हार्मोन्स करते हैं। तो हार्मोन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब हार्मोन्स प्लांट्स में और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। एनिमल्स में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं वो ग्लैंड्स में बनते हैं। एनिमल्स के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं वो थ्री टाइप्स की होती हैं। पहली जो ग्लैंड्स होती हैं उनको बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी जो ग्लैंड होती है उसको क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड, और तीसरी जो ग्लैंड होती है वो इन दोनों ग्लैंड्स की सेल्स का कॉम्बिनेशन होती है, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है ना। तो जब हार्मोन के बारे में बात की जा रही है तो थोड़ा सा हम लोग इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि ग्लैंड्स क्या होती हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं, एनिमल्स में जो ग्लैंड्स होती हैं वो कैसी कैसी होती हैं। तो बात की जाए अगर एनिमल के अंदर, तो एनिमल्स के अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं वो हार्मोन्स कहाँ पे बनते हैं बेटा, ग्लैंड्स में बनते हैं, ठीक है ना। अब ये ग्लैंड्स जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, ये होती हैं बेटा कितने टाइप की, थ्री टाइप्स की। इनको हम तीन पार्ट में, तीन तरह में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको आप बोलते हो क्या, उसको आप बोलते हो एक्सोक्राइन, क्या बोलते हो, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और दूसरा वाला जो ग्लैंड हम ह्यूमंस के अंदर और एनिमल्स में पाई जाती है उनको क्या बोला जाता है बेटा, इंडोक्राइन, क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन क्या ग्लैंड, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड। और तीसरी वाली जो ग्लैंड होती है वो इन दोनों ग्लैंड्स का मिश्रण होती है ना, और उसको क्या बोला जाता है, मिक्स्ड बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड। तो तीन तरह की ग्लैंड्स एनिमल्स में होती हैं, ह्यूमंस में भी होती हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लैंड हैं एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और मिक्स्ड, इन तीनों तरह की ग्लैंड्स में क्या बनते हैं, तरह तरह के सिक्रीशन होते हैं इनसे,
तरह तरह के केमिकल्स इनमें बनते हैं। ग्लैंड का मतलब ही क्या होता है, ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ग्लैंड का मतलब बॉडी के अंदर कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर, कोई एक ऐसा ऑर्गन जिसमें कोई केमिकल बन रहा हो, जिसमें कोई केमिकल कंपाउंड बन रहा हो, ठीक है ना, कोई चीज़ उसके अंदर बन रही हो, कोई केमिकल बन रहा हो और वो केमिकल बनकर बाहर निकल रहा हो, बन भी रहा हो और बनकर क्या हो रहा हो, सिक्रीट हो रहा हो, बनकर बाहर निकल रहा हो। तो कोई चीज़ जब बनती है और बनकर बाहर निकलती है ना, तो उसको बोलते हैं सिक्रीशन प्रोसेस, को क्या बोलते हैं, सिक्रीशन होना। सिक्रीशन मतलब मैं कुछ बनाकर बाहर निकालूं तो ये क्या है, सिक्रीशन है मेरा, है ना। तो ग्लैंड्स क्या करती हैं, सिक्रीशन करती हैं, इसका मतलब ग्लैंड के अंदर कोई केमिकल बनता है और वो केमिकल बनकर बाहर निकलता है ग्लैंड से। अब उस केमिकल का एक पर्टिकुलर काम होगा, क्या काम होगा, वो केमिकल जिस भी बॉडी के फंक्शन की, जिस भी बॉडी के सिस्टम से एसोसिएटेड होगा, वो केमिकल वहाँ पर जाकर क्या होगा, काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा लीवर है, तो हमारे लीवर में बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, बहुत तरह के सिक्रीशन होते हैं, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्रीशन है बाइल, बाइल जूस, बाइल जूस। हमारे लीवर में लीवर की सेल्स जो होती हैं वो बाइल जूस को बनाती हैं और बनाकर उसको गॉल ब्लेडर में क्या करती हैं, स्टोर करती हैं, करती हैं ना स्टोर, लीवर के नीचे गॉल ब्लेडर होता है ना, ना तो उस सैक लाइक स्ट्रक्चर में क्या करती हैं, बाइल जूस को स्टोर करती हैं, ठीक। तो ये जो बाइल जूस है, ये बाइल जूस फिर आता है कहाँ पर, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आता है, हमारी इंटेस्टाइन में आता है, ड्यूडिनम में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है, अभी मैं बताऊंगा उसको आगे, ड्यूडिनम वहाँ पे आता है और वहाँ पर उसका रोल है, कुछ क्या रोल है, डाइजेशन में रोल है। वो वहाँ पे क्या करता है, फैट को इमल्सीफाई करता है, यानी फैट जो हमारे फूड में जो फैट होता है हमारे भोजन में, उस फैट का इमल्सीफिकेशन करता है, यानी उसको छोटी छोटी गोलियों में क्या कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है ना। और साथ साथ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के डाइजेशन के मीडियम को एल्कलाइन बनाता है, कौन, बाइल जूस। देखो तो बाइल जूस का एक काम हुआ ना, तो वो बाइल जूस लेकिन बना कहाँ, ग्लैंड के अंदर, उस ग्लैंड का नाम क्या है, लीवर। लीवर क्या है, ग्लैंड है, बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट साइज की ग्लैंड है, कौन सी, लीवर, ठीक है ना। तो लीवर के अंदर एक केमिकल बना, वो केमिकल वहाँ से निकल कर बाहर आया और किसी दूसरी जगह पर जाकर अपने टारगेट ऑर्गन में जाकर या टारगेट पार्ट में बॉडी में जाकर वहाँ पे उसने उस केमिकल का एक फंक्शन था, उस फंक्शन में वो जाकर पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना, उस फंक्शन को उसने क्या किया, पूरा करवाया, है ना बेटा। तो ग्लैंड क्या थी, ग्लैंड का मतलब कि ग्लैंड एक ऐसा स्ट्रक्चर को, एक ऐसा ऑर्गन को कहते हैं बॉडी के अंदर जिनमें कुछ बनता है और बनकर फिर बाहर निकलता है। देखो बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड में होता क्या है, देखो इसमें जो केमिकल बनता है, इन ग्लैंड्स में जो सिक्रीशन होता है, वो केमिकल्स जो हैं वो डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं, टारगेट पार्ट तक, टारगेट रीजन तक पहुंचते हैं, है ना। डक्ट मतलब समझ रहे हो ना, कोई ग्लैंड है और उसमें बना हुआ जो केमिकल है वो एक नलिका के द्वारा, एक डक्ट के द्वारा इस ग्लैंड से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है और ये डक्ट पहुंचा रही है कहाँ, उस केमिकल को वहाँ पहुंचा रही है बॉडी में, उस एरिया में पहुंचा रही है जहाँ पर उस केमिकल का काम है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर देखो, हमारे चिक में हमारे जो गाल है, गाल के पास यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड होती है ना, वन पेयर होती है, इधर क्या है, सेलिवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथि है ना, उसके अलावा भी दो और भी होती हैं, दो जोड़ी और भी होती हैं, पर ये सबसे बड़ी वाली यहाँ पे मैंने एक आपको एग्जांपल बताया कि हमारे यहाँ पर क्या है, अंदर क्या है, यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड है। तो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर क्या बनता है, सलाइवा बनता है, लार बनती है, वो लार पैरोटिड ग्लैंड से एक डक्ट के थ्रू हमारी बक्कल कैविटी में पहुँचती है। तो यानी पैरोटिड ग्लैंड कैसी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि उसके पास क्या है, डक्ट है। जब कोई ग्लैंड अपने अंदर बने हुए केमिकल को डक्ट के थ्रू रिस्पेक्टेड ऑर्गन तक, रिस्पेक्टेड एरिया तक, जहाँ पर भी उस केमिकल का काम होगा वहाँ तक पहुँचाएगी, तो बेटा वैसी ग्लैंड को आप क्या बोलोगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड में हार्मोन नहीं बनता, याद रखना, एक्सोक्राइन ग्लैंड में अलग अलग चीज़ें बनती हैं। जैसे मेमोरी ग्लैंड होती है फीमेल्स में, उनमें मिल्क का सिक्रीशन होता है, डक्ट के थ्रू बाहर आता है ना। हमारी सेलिवरी ग्लैंड जो होती है उसमें सलाइवा बनता है, डक्ट के थ्रू बक्कल कैविटी में आता है। हमारा जो लीवर है, जो सबसे बड़ी ग्लैंड बोली जाती है, वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसके अंदर बाइल जूस बनता है और वो डक्ट के थ्रू आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में।
हमारा और भी बॉडी के ऐसे बहुत सारे आर्गन होते हैं जो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करते हैं और उनमें डक्ट पाई जाती है और वो डक्ट के थ्रू अपने अंदर बने हुए केमिकल्स को अपने रिस्पेक्टेड आर्गन तक पहुंचाते हैं जहां पर उन केमिकल्स का यूटिलाइजेशन होता है, काम होता है, रोल होता है, फंक्शन होता है। समझ में आ गई बात ना? लेकिन याद रखना कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो केमिकल बन रहा है वो हार्मोन वो कुछ और हो सकता है, वो मिल्क हो सकता है, वो स्वेट हो सकता है, वो सलाइवा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर वो हार्मोन नहीं है। हार्मोन तो फिर किन से बनता है? इंडोक्राइन ग्लैंड से। देखो बेटा, इंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जिनमें डक्ट क्या होती है? नहीं पाई जाती। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि इंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं पाई जाती। डक्ट इज अब्सेंट इन इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना? तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड में अगर कोई केमिकल, जब ग्लैंड नाम है इसका मतलब उसके अंदर कुछ बनेगा, कोई केमिकल बनेगा, है ना, और उसका सिक्रीशन होगा। तो इस इंडोक्राइन ग्लैंड में बना हुआ जो केमिकल है, क्योंकि इस ग्लैंड में डक्ट नहीं पाई जा रही है, तो ये केमिकल अपने अंदर बने हुए इस ये ग्लैंड अपने अंदर बने हुए केमिकल को सीधे रिलीज कर देगी ब्लड में। कहाँ पर रिलीज कर देगी जी? ब्लड में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडोक्राइन ग्लैंड में क्योंकि डक्ट नहीं है, तो इस ग्लैंड के अंदर जो बना हुआ केमिकल है वो अपने रिस्पेक्टेड ऑर्गन तक कैसे पहुंचेगा, जहां पर उसका रोल है, जहां पर उसका यूटिलाइजेशन है, जहां पर उस केमिकल का फंक्शन है, जहां पर उस केमिकल की नीड है, उस जगह पर कैसे वो केमिकल पहुंचेगा जब इस ग्लैंड के पास डक्ट ही नहीं है, नलिका ही नहीं है। तो नलिका के ही द्वारा तो पहुँचाया जाता, वो है ही नहीं, तो फिर इस केमिकल के ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड का जो केमिकल है वो कैसे पहुँचेगा? तो वो पहुँचेगा वाया ब्लड। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा, ठीक है ना? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड अपने अंदर बने हुए केमिकल को कहाँ पर सिक्रीट करती है, कहाँ रिलीज करती है बेटा? ब्लड में रिलीज कर देती है। और आपको पता है कि ब्लड जो होता है उसको हम सर्कुलेटरी टिश्यू कहते हैं, कहते हैं ना, बॉडी में सर्कुलेशन करता है, बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट होता है, बॉडी में इधर से उधर वो क्या करता है, मूव होता है, हमेशा चलता रहता है। तो इस तरह से ब्लड के फ्लो के साथ वो जो केमिकल है, वो केमिकल भी अपने रिस्पेक्टेड ऑर्गन तक पहुंच जाता है, जहां पर भी उसको पहुंचना होता है, ठीक है ना? ब्लड के साथ साथ एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ, ना? ये दोनों बेटा क्या है? सर्कुलेटरी टिश्यू है, लिम्फ और ब्लड दोनों। ब्लड जो होता है वो वेसल्स के अंदर से बहता है ना, आर्टरी और जो वेसल्स होती हैं उनके थ्रू बहता है ना, धमनी और शिराओं के थ्रू बहता है ना। और जो लिम्फ होते हैं, ये लिम्फ कहाँ पाए जाते हैं? ये लिम्फ पाए जाते हैं कहाँ पर? जो सेल्स के बीच बीच का पार्ट होता है, टिश्यू में पाए जाते हैं। लिम्फ कहाँ पाया जाता है? टिश्यू में पाया जाता है, ठीक है ना? टिश्यू तक ब्लड के थ्रू आएगा हार्मोन, और उसके बाद अगर उस हार्मोन को सेल में जाना है तो ब्लड से फिर वो हार्मोन लिम्फ में जाएगा, फिर लिम्फ उसको कहाँ पहुँचा देगी? सेल में पहुँचा देगी ना? तो पूरा देखो, पूरा जो हार्मोन का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कि उसको उसके रिस्पेक्टेड सेल, रिस्पेक्टेड ऑर्गन तक पहुंचाने का जो काम है, वो कौन कर रहा है? ब्लड और लिम्फ कर रहा है। जबकि इस वाले केस में क्या था कि आपकी जो ग्लैंड थी वो डाइट क्या बना रही थी, उसके पास क्या था? डक्ट था, और वो अपने डक्ट के थ्रू सीधे अपने अंदर बने केमिकल को पहुंचा देती थी रिस्पेक्टेड ऑर्गन में जहां पर उसका काम होता था। तो इंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होती, इसको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? डक्टलेस। कौन सी ग्लैंड डक्टलेस होती है? इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं पाई जाती, तो इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर बना हुआ जो केमिकल होता है वो सीधे कहां पर ये ग्लैंड रिलीज कर देती है? अपने आसपास मौजूद ब्लड में रिलीज कर देती है। और ब्लड और लिम्फ के थ्रू इस इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर बना हुआ जो केमिकल है वो उसको पहुंचा दिया जाता है कहां पर? टारगेट ऑर्गन तक, टारगेट सेल तक। समझ में आ गई बात ना? अब देखो सुनो, इंडोक्राइन ग्लैंड में जो बना केमिकल था वही क्या था? हार्मोन था। क्या था जी? हार्मोन था। तो इसके अंदर क्या बन रहा है? हार्मोन। हार्मोन, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड में तरह तरह की चीज़ें बनती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड अलग अलग होते हैं, लीवर अलग है, सेलिवरी ग्लैंड अलग है, मेमोरी ग्लैंड अलग है, सबके अंदर अलग अलग चीज़ें बन रही है ना। लीवर के अंदर बाइल जूस बन रहा है, सेलिवरी ग्लैंड के अंदर सलाइवा बन रहा है, टीयर ग्लैंड्स होती हैं, लैक्राइमल ग्लैंड हमारी आंखों में होती है, उनमें आंसू बन रहा है। तो ये सब अलग अलग टाइप की क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमेशा क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिक्रीशन होते हैं, अलग अलग काम, अलग अलग नेचर के सिक्रीशन होते हैं। लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड जितनी भी बॉडी में है सब में केवल क्या बनेगा? हार्मोन बनेगा।
सब में क्या बनेगा बेटा? हार्मोन। सारी इंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी की जितनी भी हैं उनमें हार्मोन ही बनता है, हार्मोन के अलावा और कुछ नहीं बनता। जो भी बनेगा वो उसको हार्मोन ही कहेंगे, वो एक तरह से हार्मोन होगा, सही ना बेटा। तो इंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस हैं, अपने अंदर बने हार्मोन को सीधे ब्लड और लिम्फ में रिलीज कर देती हैं, और ब्लड और लिम्फ के थ्रू हार्मोन अपने टारगेट सेल तक, टारगेट एरिया तक, टारगेट ऑर्गन तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं है तो उसको पहुंचाने का एक जरिया जो है वो कौन है, ब्लड और लिम्फ है। इसी के माध्यम से वो अपने अंदर बने हुए हार्मोन को पहुंचाती है, कौन, इंडोक्राइन ग्लैंड, सही ना। तीसरा जो थोड़ा सा इसकी भी चर्चा कर ले, डिस्कशन कर ले, मिक्स ग्लैंड की। देखो बेटा मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या होता है, मिक्स ग्लैंड का मतलब ये होता है कि ये ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जिसके अंदर कुछ सेल्स एक्सोक्राइन टाइप की भी होंगी, कुछ सेल्स इंडोक्राइन टाइप की भी होंगी ना, और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों का बिहेवियर इसके अंदर होगा, दोनों तरह की ग्रंथियों का इसके अंदर व्यवहार होगा। किसके अंदर बेटा? मिक्स ग्लैंड के अंदर। मिक्स ग्लैंड इज कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्सोक्राइन सेल्स एज वेल एज इंडोक्राइन। जैसे कि एग्जांपल बताओ, कोई मिक्स ग्लैंड का कोई एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में बताओ, कौन है मिक्स ग्लैंड, कोई एक एग्जांपल बहुत कॉमन सा बताओ, पैनक्रियास, कौन, पैनक्रियास, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्नाशय, ठीक है ना। तो देखो बेटा एग्जांपल में मैंने बता दी ह्यूमन बॉडी में क्या, पैनक्रियास। अब ये जो पैनक्रियास है, ये पैनक्रियास जो है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स ग्लैंड बिकॉज इट कंसिस्ट बोथ कौन कौन सी, एक्सोक्राइन सेल्स एज वेल एज इंडोक्राइन सेल। अब पैनक्रियास जो होता है, अगर आप पैनक्रियास का फिगर देखोगे, तुम सब देखे पैनक्रियास का फिगर, ऐसे कुछ पत्ती की तरह ना, फिश की जैसा फ्लैट सा स्ट्रक्चर होता है, पिंक कलर का होता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इस तरह डक्ट भी होती है, इसके अंदर डक्ट भी है, डक्ट भी है, और इसके अंदर बना हुआ जो केमिकल है वो डक्ट के थ्रू जो है वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, डक्ट के थ्रू रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। और साथ साथ इसके अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे बन रहे हैं जो सीधे ब्लड में भी क्या हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं ना। तो यानी इसके अंदर डक्ट भी है, तो इसके अंदर बना केमिकल डक्ट के थ्रू भी जा रहा है, और साथ साथ इसके अंदर कुछ और अदर सिक्रीशन भी हो रहे हैं जो सीधे कहाँ हो रहे हैं, ब्लड में हो रहे हैं, विदाउट डक्ट, वो डक्ट के थ्रू नहीं जा रहे। ध्यान देखना, पैनक्रियास के अंदर दो चीजें मेनली बनती हैं, एक तो बनता है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस जो कि एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, जो इस डक्ट के थ्रू जो बना हुआ है, सारा पैनक्रियाटिक जूस इस डक्ट के थ्रू, इस पैनक्रियाटिक, इसका नाम है पैनक्रियाटिक डक्ट, इस डक्ट के थ्रू जो है वो चला जाता है कहाँ पर, एलिमेंट्री कैनाल में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में चला जाता है, कहाँ पर, ड्यूडेनम। ये यहाँ पर क्या है, ड्यूडेनम, ऐसे सी के शेप का होता है ड्यूडेनम, ठीक है ना। इसी ड्यूडेनम में जो है ये जाकर डक्ट ओपन होती है, और यहीं पर जो है इसके पैनक्रियास के अंदर मौजूद जो आपका पैनक्रियाटिक जूस है, अग्नाशय रस, वो पहुंच जाता है थ्रू दिस डक्ट इनटू द ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर अब फर्दर डाइजेशन में वो अपना पार्टिसिपेट करेगा ना, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अब देखो इसी पैनक्रियास में कुछ ग्लैंड्स ऐसी हैं जो इंडोक्राइन नेचर की हैं, कुछ सेल्स ऐसी हैं जो इंडोक्राइन नेचर की हैं, तो उन सेल्स को जो इंडोक्राइन नेचर्स की हैं, वो सेल्स जो हैं, उन सेल्स के ग्रुप्स को कहा जाता है आइसलेट, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस इज द ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ इंडोक्राइन टाइप। देखा, इंडोक्राइन सेल्स के समूहों को क्या बोलते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ऐसे बहुत सारे समूह पाए जाते हैं इस पूरी पैनक्रियास के अंदर में, ठीक है ना, उसके टिश्यू में पाए जाते हैं, ठीक है। और आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या है, एक 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 जो है इंडोक्राइन सेल का क्या है, ग्रुप है, क्लस्टर है, समूह है ना। इसका नाम आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस इसलिए पड़ा क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था पॉल लैंगरहैंस, पॉल लैंगरहैंस, उन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया, आइडेंटिफाई किया था, ठीक है ना। तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है, दिस इज द ग्रुप ऑफ इंडोक्राइन सेल्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस पैनक्रियास। और आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में तीन तरह की मेनली सेल्स होती हैं, तीन तरह की सेल्स हर एक इंडोक्राइन सेल्स के ग्रुप में होती हैं, ठीक है ना। और वो तीन तरह की सेल्स कौन कौन सी हो जाएंगी बेटा, तो सबसे पहली जो सेल हो जाएगी डेट इज बेटा क्या, अल्फा, और दूसरी हो जाएगी बीटा, तीसरी जो हो जाएगी उसको बोलते हैं डेल्टा, और एक और होती है एक्स्ट्रा में ऐड कर लो, फोर टाइप की बता देता हूँ, उसको बोलते हैं पीपी, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना।
पीपी सेल, हाँ डबल पी थे, पीपी सेल। तो एक अल्फा सेल हो गई, एक बीटा सेल हो गई, एक डेल्टा सेल हो गई और एक पीपी सेल हो गई। दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड दिस आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस ना। और ये चारों सेल क्या है, इंडोक्राइन नेचर की, यानी इन चारों सेल्स से क्या बन रहा होगा, हार्मोन। ये चारों सेल क्या बनाती हैं, हार्मोन। जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा सेल है तो वो एक हार्मोन बनाती है जिसको बोलते हैं ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन। अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन बनता है बेटा, ग्लूकेगॉन बनता है, ठीक है ना। बीटा सेल से कौन सा हार्मोन बनता है, कोई बताएगा? अरे बीटा सेल वाला तो याद रखो, अल्फा सेल से क्या बनता है मैंने बता दिया, ग्लूकेगॉन। बट बीटा सेल से तो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बनता है ना, कौन सा हार्मोन बनता है कोई बताएगा, कोई बताएगा कौन सा हार्मोन बीटा सेल से बनता है, कौन सा हार्मोन? चलिए, बीटा सेल से जो बनता है हार्मोन वो है इंसुलिन, क्या इंसुलिन, ठीक है ना। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन बनता है, ठीक है ना। आपकी जो डेल्टा सेल होती है इससे एक हार्मोन बनता है सोमैटोस्टेनिन, और पीपी सेल से पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड बनता है। तो एटलीस्ट बी जो बीटा सेल है वो आपको याद रखना, बीटा सेल से इंसुलिन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इंसुलिन और ये जो ग्लूकेगॉन है ये उसका बिल्कुल उल्टा है, इंसुलिन का जो फंक्शन है वो ग्लूकेगॉन के फंक्शन का बिल्कुल उल्टा है, आगे मैं बताऊंगा किसी एक जगह पर। चलो फिलहाल क्या हुआ कि मैंने एक एग्जांपल बताया कि देखो ये पैनक्रियाज जो है वो क्या है, वो एक मिक्स्ड ग्लैंड है, इसके अंदर कुछ केमिकल्स बन रहे हैं जिनको पैनक्रियाटिक जूस कह रहे हैं, हॉर्मोन्स का कॉम्बिनेशन है वो, और पैनक्रियाटिक जूस जो है वो जा रहा है थ्रू द डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। तो ये एक तरह का कैसा बिहेवियर हुआ, एक्सोक्राइन ग्लैंड का बिहेवियर हुआ, है ना। और दूसरा कि इसी पैनक्रियाज के अंदर कुछ और तरह की सेल्स हैं जो एक ग्रुप में हैं, क्लस्टर में हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जिनको कहा जाता है उस ग्रुप को, और वो सेल्स जो हैं अल्फा बीटा डेल्टा और पीपी, इन सेल्स से पर्टिकुलरली क्या हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, बन रहे हैं, और वो हार्मोन्स सीधे ब्लड में रिलीज कर रहा है पैनक्रियाज, डक्ट के थ्रू नहीं भेज रहा है कहीं, ब्लड में रिलीज कर रहा है। मतलब यही पैनक्रियाज एक और तरह का अपना नेचर शो कर रहा है, एक बिहेवियर शो कर रहा है इंडोक्राइन वाला, ठीक है ना। इसीलिए हम पैनक्रियाज को एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों का कॉम्बिनेशन मानते हैं और उसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, क्या बोलते हैं जी, मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है ना। तो हार्मोन्स ग्लैंड से निकलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गया होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो अलग अलग तरह के केमिकल कंपोजिशन होते हैं। जनरली हम बोल सकते हैं हार्मोन्स क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड। बट बहुत सारे हार्मोन ऐसे होते हैं जो और दूसरे तरह के केमिकल्स का कंपोजिशन होते हैं, जैसे स्टीरॉयड हो गया, क्या हो गया, स्टेरॉयड हो गया। तो बहुत सारे हार्मोन जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, सब स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, इसको हम आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो बेसिकली हार्मोन्स का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो अलग अलग तरह का होता है। मैक्सिमम जनरली हार्मोन्स जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, मीन्स वो किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड की एक लॉन्ग चेन से बने होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलते हैं तो एक अमीनो एसिड की क्या बन जाती है, चेन बन जाती है ना, एक प्रोटीन बन जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। तो हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं जी, प्रोटीन होते हैं ना। मैक्सिमम हार्मोन्स कैसे होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और मैंने कुछ और भी आपको बताया अभी को। चलिए अब बात करते हैं कि हार्मोन्स का, देखो बॉडी के अंदर हार्मोन्स का काम क्या था, हार्मोन्स का काम था कि हम सब की बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में क्या करना, तमाम तरह के फंक्शंस में मैसेंजर का काम करना, इन्फॉर्मेशन को कैरी करवाने का काम करना। अब ये ध्यान से सुनिएगा, हार्मोन्स बॉडी में क्या करते हैं, तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, संदेश ले जाने का काम करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स के थ्रू मैसेज का कंडक्शन होता है बॉडी के अंदर, दो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने वाले सिस्टम्स होते हैं, मैसेज को फैलाने का काम करने वाले दो सिस्टम बॉडी के अंदर हैं, जो तरह तरह की सूचनाओं को इधर से उधर क्या करते हैं, पहुंचाते हैं बॉडी के अलग अलग सेल्स तक, अलग अलग पार्ट तक, ठीक है ना। तो हम सब की बॉडी में दो तरह के क्या होते हैं, मैसेज कंडक्टिव सिस्टम होते हैं। पहला जो है वो है हमारा नर्वस सिस्टम,
नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहला जो सिस्टम हमारा होता है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या होता है, जो सूचनाएं होती हैं, जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वो इन्फॉर्मेशन बॉडी के हर पार्ट तक क्या होती है, पहुँचती हैं ना, न्यूरॉन्स के थ्रू पहुँचती है ना। इसमें ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, इन सब सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है, और इन सब के मिलने से एक सिस्टम बना, उसको क्या बोले, नर्वस। नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या होता है, सूचनाओं का प्रसारण होता है ना, कम्युनिकेशंस होता है, इन्फॉर्मेशन का कंडक्शन होता है बॉडी में, सही है। और ये जो दूसरा आप पढ़ रहे हो क्या, वाया हार्मोन, हार्मोनल सिस्टम ना, इंडोक्राइन सिस्टम है ना बेटा। तो इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, इंडोक्राइन सिस्टम भी एक सूचना के प्रसारण का ही सिस्टम है, इट इज ऑल्सो ए कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी एक कम्युनिकेटिव सिस्टम है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। कौन, हार्मोन। हार्मोन के थ्रू भी मैसेजेस का क्या होता है, कंडक्शन होता है। हार्मोन्स के थ्रू बॉडी में जो मैसेज होते हैं वो टारगेट सेल तक पहुंच जाते हैं। समझ में आ गई बात ना, ठीक है। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह के मैसेज हैं, एक तरह का मैसेज को कंडक्ट करने का सिस्टम है इंडोक्राइन सिस्टम, तो हार्मोन्स को हम बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर। क्या बोलते हैं जी, प्राइमरी मैसेंजर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब आपको यहाँ से एग्जाम में अब ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। तो हार्मोन क्या होता है, हार्मोन होता है प्राइमरी मैसेंजर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं जी, प्राइमरी मैसेंजर, ठीक है ना। हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं, ठीक है ना। अब हार्मोन्स जो होता है वो ब्लड के थ्रू आता है, फिर ब्लड से लिम्फ में पहुंचता है, लिम्फ से हार्मोन सेल तक पहुंच जाता है। निकला कहाँ से, इंडोक्राइन ग्लैंड से। इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलकर हार्मोन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पहुंच रहा है, लिम्फ तक पहुंचा। लिम्फ तक पहुंचने के बाद अब सेल में आने वाला है, सेल के अंदर हार्मोन को इंटर करना है किसी अपनी टारगेट सेल में। तो टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक हार्मोन पहुंच जाता है, और उसके बाद उस हार्मोन में जो मैसेज है, उस मैसेज को उस सेल के अंदर, उस सेल के न्यूक्लियस के भीतर पहुंचाने का काम जो करते हैं, उनको बोला जाता है सेकेंडरी मैसेंजर्स। क्या बोलते हैं जी, सेकेंडरी मैसेंजर्स, ठीक है। तो सेकेंडरी मैसेंजर कौन होता है बेटा, तो सेकेंडरी मैसेंजर तो मेन जो होता है उसको बोलते हैं CAMP। CAMP, सी मीन्स साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मैं अभी फिगर बना के दिखाऊंगा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फिर मैं दिखाऊंगा ये है कहाँ पर ये चीज़, ठीक है ना। आप लोग उसके लिए परेशान, अभी मैं आपको केवल एक इंट्रोडक्टरी बता रहा हूँ क्या होता है, मैं बता रहा हूँ कौन प्राइमरी मैसेंजर है, कौन सेकेंडरी मैसेंजर है। हार्मोन क्या है, प्राइमरी मैसेंजर है। ज़्यादातर केसेस में हार्मोन सेल के अंदर नहीं जाता, हार्मोन केवल सेल की सेल मेम्ब्रेन पर आकर वहाँ पर एक रिसेप्टर होता है, उसी से आकर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आगे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और सेल के न्यूक्लियस के अंदर तक पहुँचाने, मैसेज को पहुंचाने का काम जो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, CAMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ना। ये क्या है, ये सेकेंडरी मैसेंजर कहलाते हैं, जो सेल के अंदर मैसेज को क्या करते हैं, न्यूक्लियस तक, न्यूक्लियस के अंदर पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तब फिर उस मैसेज के थ्रू जो चीज़ें, जो भी मेटाबॉलिक फंक्शन है, जो भी प्रोटीन है, जो भी काम सेल में होना है, वो चीज़ फिर आगे फर्दर प्रोसीड होती है, वो चीज़ें होती हैं, है ना। समझ में आ रही बात ना। तो एक तो ये चीज़ आपको याद हो गई कि प्राइमरी मैसेंजर कौन है और सेकेंडरी मैसेंजर कौन है, अभी फिगर बना के बताता हूँ। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताया कि हार्मोन्स का काम क्या था, बॉडी में ओवरऑल मैसेजेस को क्या करना, कंडक्ट करना, मैसेजेस का ट्रांसपोर्ट करना, मैसेज को क्या करना, इधर से उधर पहुँचाना। जो काम नर्वस सिस्टम का होता है वही काम हार्मोनल सिस्टम का भी है। बस नर्वस सिस्टम क्या है, एक फास्ट कम्युनिकेटिव सिस्टम है, उसमें जो सूचनाओं का प्रसारण होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, मिली सेकेंड्स में होता है ना। हार्मोन एक स्लो मैसेज कंडक्टिव सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम जो है हार्मोन्स के थ्रू जो मैसेज का कंडक्शन होता है ये धीमी धीमी स्पीड में होता है, इसकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी तेज़ी से तंत्रिका तंत्र के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा मैसेजेस को पहुँचाया जाता है बॉडी के हर एक पार्ट तक, हर एक रिस्पेक्टेड टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल तक ना। यही एक फ़र्क है कि ये बहुत फास्ट है, ये एक फास्ट क्या है, मैसेजिंग सिस्टम है,
या कम्युनिकेशन है, फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है। और ये एंडोक्राइन क्या है, ये इसके कंपेयर में क्या है, स्लो मैसेजिंग सिस्टम है, ये स्लो कम्युनिकेटिंग सिस्टम है। समझ में आ रही बात ना, दोनों का काम ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, ठीक है। और एक और चीज़ कि बॉडी के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम, इसको भी आप समझिएगा कि बॉडी के अंदर हर तरह के फंक्शन को कंट्रोल करना, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बीच में, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में तालमेल बिठाना यानी कोऑर्डिनेशन करना, ये सारा काम भी किनका होता है, इन दोनों सिस्टम का होता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक सेल्स में जो फंक्शंस होते हैं, उन सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम, नियंत्रित करने का काम, जैसे इंसुलिन जितना बनना चाहिए उतना ही बनता है ना, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में जितना रहना चाहिए उतना ही रहना चाहिए, एक सीमा तक जो उसकी रेंज है कि इतना परसेंट ब्लड में ग्लूकोज होना चाहिए, सपोज़ मान लो 10% सपोज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्चुअल डेटा नहीं है, सपोज़ कि मान लो ब्लड में 10% ग्लूकोज होना चाहिए, तो वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना वो 10% से कम होना चाहिए, 10% होना चाहिए, एक रेंज है 10 से लेकर 12% तक के बीच में होना चाहिए, नॉर्मल हो, है ना बेटा। तो उससे ज़्यादा ना हो तो इसके लिए कौन है, हार्मोन है। उससे कम ना हो इसके लिए भी कौन है, हार्मोन है। तो कहने का मतलब बॉडी के अंदर तमाम तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, तमाम तरह के प्रोडक्ट्स हैं, तमाम तरह की और जो प्रोसेस चल रहे हैं, उन सारे प्रोसेस को कंट्रोल करना ये किसका काम है, हार्मोन का काम है। साथ साथ बॉडी के अलग अलग पार्ट के बीच में एक तरह का सामंजस्य, एक तरह का तालमेल बिठाना, सारी चीज़ें एक साथ मिलकर एक फ्लो में काम करें, एक बैलेंस बनाकर काम करें, तो पूरी बॉडी को बैलेंस देना, बैलेंस करवाना, ये भी काम किसका है, हार्मोन्स का है। तो हार्मोन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ओवरऑल पूरी बॉडी की ग्रोथ में, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। थोड़ी सी प्लांट्स की बात कर लें, प्लांट्स में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, प्लांट्स में तो बहुत सारे हार्मोन्स सुन रखे होंगे, 4-5 तो सुन रखे होंगे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, हाँ, एबीसीसिक एसिड और इथाइलिन। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबीसीसिक एसिड और इथाइलिन, ये आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, और उससे पहले भी पढ़ा होगा। ये 5 इंपॉर्टेंट प्लांट्स हार्मोन है, फाइटो हार्मोन्स हैं, प्लांट हार्मोन मीन्स फाइटो हार्मोन्स, प्लांट्स में बनते हैं, कहाँ बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बनते हैं। जिस तरह से एनिमल्स में हार्मोन कहाँ बनते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड में, वैसे प्लांट्स में हार्मोन कहाँ बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बनते हैं, ग्रोविंग टिश्यू में बनते हैं, ग्रोविंग एरियाज में बनते हैं। और वो हार्मोन्स का भी प्लांट की ग्रोथ, प्लांट के मेटाबॉलिक प्रोसेस के कंट्रोल, प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन का काम, ये सारा काम, और प्लांट के अंदर मैसेजेस को कंडक्ट करने का काम उनका होता है, किनका, प्लांट हार्मोन्स का। सेम काम जो एनिमल्स में एनिमल हार्मोन का, वही काम प्लांट्स में किसका है, प्लांट हार्मोन्स का है। अब ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन, ये सब ग्रोथ कॉजिंग हार्मोन्स हैं, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स हैं, ये वृद्धि प्रेरक हार्मोन है, ये प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को क्या करवाते हैं, करवाते हैं ना, ग्रोथ को करवाते हैं, प्लांट्स की लेंथ को बढ़ाना, सीड का जर्मिनेशन होना, फ्रूट का बनना, ये सारा काम कौन करवा रहा है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, सेल डिविजन करना, सेल इलांगेशन करना, अच्छे काम। और नेगेटिव वर्क, ग्रोथ को रोकने का काम, यानी ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स भी होते हैं प्लांट के अंदर, और उनको क्या कहा जाता है, एबीसीसिक एसिड और इथाइलिन। तो ये सब क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है, ये ग्रोथ को क्या करते हैं, कम करते हैं, रोकते हैं, क्योंकि हर चीज़ एक बैलेंस अमाउंट में होनी चाहिए ना, तो कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है तो उसको कम भी करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन भी है कि नहीं। जैसे हमारे अभी देखो मैंने बोला था, हम सब की पैनक्रियाज में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती है, यानी एंडोक्राइन सेल्स का ग्रुप पाया जाता है, और वहाँ पे 4 सेल मैंने बताई, अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी। मैंने बोला अल्फा से निकलता है ग्लूके गॉन, और बीटा से क्या निकलता है, इंसुलिन। इंसुलिन का काम है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल अगर बढ़ गया है, एक तय सीमा से ज़्यादा हो गया है, तो उसको वापस से घटा देना, ठीक है ना। और जो पहला वाला था ग्लूकेगॉन, उसका काम है उल्टा, वो अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज एक तय सीमा से भी कम है तो उसको क्या कर देना, बढ़ा देना, है ना। तो दोनों ज़रूरी है ना, ग्लूकोज कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम। तो उन दोनों कंडीशन के लिए दो हार्मोन है, इंसुलिन का जो काम है उसका उल्टा काम किसका है, ग्लूकेगॉन का है। इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है, ग्लूकेगॉन क्या कर रहा है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है। दोनों ज़रूरी है हर अलग अलग कंडीशन में, है ना। तो सेम वैसे ही प्लांट्स में भी जो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन से वो ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन अब एनॉर्मस एबनॉर्मल ग्रोथ और ज़्यादा ग्रोथ भी दिक्कत है,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्लांट्स के अंदर कुछ ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स भी हैं जो ग्रोथ को क्या होते हैं, नहीं करने देते या ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं, स्लो करने का काम करते हैं, ठीक है ना। वो कौन है, वो है एबिसिसिक एसिड और इथाइलिन। इसके अलावा भी प्लांट्स में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे फ्लोरीजन, फ्लावर को खिलाने के लिए, फ्लावर को बड़ा करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसकी उसको ब्लॉसम स्टेज में लाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, फ्लोरीजन। कौन सा हार्मोन, फ्लोरीजन। तो कुल मिला के बेटा बात ये थी कि चलो हार्मोन्स एंडोक्राइन में बनते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बनते हैं, प्लांट्स में मेरिस्मेटिक टिश्यू में बनते हैं। हार्मोन्स एक तरह का मैसेज होता है, एक तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। और हार्मोन्स के थ्रू बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, हार्मोन्स के थ्रू बॉडी के अंदर मैसेजेस का कंडक्शन होता है, सूचनाओं का प्रसारण होता है, सूचनाएं टारगेट सेल तक पहुंचती हैं हार्मोन के रूप में, ठीक है ना। हार्मोन्स को हम प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं, और सेल्स के अंदर हार्मोन की सूचनाओं को न्यूक्लियस तक पहुंचाने का काम जो करता है उसको सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं। और सेकेंडरी मैसेंजर कौन है, CAMP, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है। समझ में आ गई बात ना, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आएंगे कि हार्मोन्स होते क्या है, हार्मोन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर कैसे वर्क करता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। समझ में आ गई बात ना। तो आज वाले जो टॉपिक में मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया, ये इसका पहला लेक्चर हो गया हार्मोन का। अब इसमें ऐसे ही एक लेक्चर और मैं आपको दूंगा जिसमें मैं इसके आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे सेकेंडरी मैसेंजर जो होता है वो बनता है और कैसे वर्क करता है, उसका क्या रोल है, क्योंकि सेकेंडरी मैसेंजर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब अपने सिलेबस को देखोगे तो वहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है, CAMP है सेकेंडरी मैसेंजर। पर हार्मोन अगर आप नहीं जानोगे तो आप सेकेंडरी मैसेंजर कैसे जान जाओगे, क्योंकि हार्मोन प्राइमरी मैसेंजर है, ठीक है ना। उसके बाद फिर सेकेंडरी मैसेंजर आता है, तो उसका वर्क हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। और ये हमारे बॉटनी के सेकंड पेपर में है, समझ आई बात ना, ठीक है। तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक।